अगर आपका मित्र चिप्स का पैकेट लेकर आपको बोले चलो टॉयलेट के बाहर बैठकर खाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन देने से पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो सहारनपुर के भीमराव स्टेडियम का है। वीडियो देखने के बाद आपको उल्टी करने का मन करेगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि टॉयलेट में चावल और पूड़ियाँ रखी हैं, टॉयलेट सीट्स खुली हुई हैं और बच्चियाँ यहाँ से अपनी प्लेट में खाना उठाती भी दिख रही हैं। टॉयलेट में ही पूड़ी का आटा गूंथा गया और तेल की कढ़ाई भी यहीं रखी हुई दिख रही है। और तो और पूड़ियों को रखने के लिए कोई बर्तन नहीं मिला तो गुसलखाने में ही कागज बिछाकर रख दिया। क्या ऐसा खाना नेताओं के बच्चे खा लेंगे? क्या अधिकारियों के बच्चे खा लेंगे? जी नहीं। ये व्यवस्था दिखाती है इन खिलाड़ियों में एक भी नेता और अधिकारियों का बच्चा नहीं था। अगर होता तो नज़ारा कुछ और होता। योगी बाबा के खेल अधिकारियों ने 300 महिला कबड्डी प्लेयर्स का पहले तो खाना स्विमिंग पूल में बनाया, फिर खाने को रखने की जगह न मिली तो खाने को स्टेडियम के गुसल खाने में रखवा दिया। क्योंकि खाना तो खुद खाना नहीं था तो क्या फर्क पड़ता है खाना गुसल खाने में हो या कहीं और। हर साल खेल कोटे के लिए करोड़ों रुपए का बजट अलॉट होते हैं पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। भ्रष्टाचार का इससे बढ़िया सबूत देखने को और कहीं नहीं मिल सकता। खिलाड़ियों को कच्चे चावल परोसे गए क्योंकि चावल निहायत ही घटिया किस्म के थे, पके ही नहीं। खिलाड़ियों ने इसे खाने से मना कर दिया। ऐसे में टेबल पर आलू की सब्जी, पानी में लहराते दाल और रायता ही दिखे। मामला उजागर हुआ तो खेल अधिकारी अनिमेश सक्सेना को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।